जब हमारे कान में कुछ बातें जाती हैं ना, तो हम उसके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं जो छूट गया। जो गया उसकी चिंता नहीं होती हमको। आज मैं आपको एक खास चीज बताने वाला हूं। खास चीज ये है, कृष्णमूर्ति को कैसे सुने या कृष्णमूर्ति को इस्तेमाल कैसे करें। और कृष्णमूर्ति ने खुद ही बताया उनको कैसे सुने। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात आज से करीब 10,000 साल पहले किसी ने कही होगी, उसका नाम नहीं मुझे मालूम। 5,000 साल पहले शायद कृष्ण ने कही होगी, 2,500 साल पहले शायद बुद्ध ने कही होगी, 40-50 साल पहले शायद कृष्णमूर्ति ने कही होगी। कृष्णमूर्ति ने खुद कहा ये चीज। जो मैं बातें बोल रहा हूं, ट्रूथ क्या है, कौन सा लैंड है, पाथलेस लैंड। उसका कोई रास्ता नहीं है, उसके कोई मील के पत्थर नहीं है। उन्होंने इसको ऐसे कहा था एक जगह पर, ऐसे मेरी बातें सुनो जैसे आप एक समुंदर, खूब बड़ा सा फैला हुआ समुंदर है, उसमें एक तरफ से आप आ रहे हैं और एक तरफ से मैं आ रहा हूं। वो पीछे है, वो आगे है, वो ऊपर है, वो नीचे नहीं, बस एक बड़ा सा समुंदर, आप आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूं, और मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, फिर हम, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। इससे मुझे एक चीज खास मालूम पड़ी, कृष्णमूर्ति को कैसे सुने, उसको लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए संभाल के, कुछ मत करिए उसका, दिमाग से भी कुछ करने की कोशिश नहीं है, बस लेकर मन में रख लीजिए, फिर वो अपना काम करना शुरू करता है धीमे धीमे। जैसे लिया और उसके साथ कुछ करने की कोशिश की, जादू जिन चिराग नहीं है वो कृष्णमूर्ति, कि आपने रगड़ना शुरू कर दिया उसमें से जिन निकलेगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सुनिए बस, सुनते रहिए बस, सुनिए बस, लीजिए रखिए, ऐसे बीज होता है नहीं, डाल दिया बस, ऐसे ही। कल हम लोग पढ़ रहे थे, कृष्णमूर्ति ने हमको बताया था, कोई डर के बारे में पूछा था, मैं बहुत डरता हूं, तो डर से कहां पहुंच गए थे हम लोग। कृष्णमूर्ति बताए थे कि डर कहां से आता है, डिपेंडेंस से, कि हम साइकोलॉजिकली, फिजिकली तो हम डिपेंडेंट है आसपास की चीजों में, वो तो समझ में आता है, दूध वाला चाहिए, बिजली चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, सब, लेकिन साइकोलॉजिकली हम जो डिपेंडेंट हो जाते हैं वो, उसके बारे में उन्होंने बताया, डर वहां से आता है। आगे पढ़ते हैं, इसको ध्यान से ऐसे सुनिएगा बस, कि मेरे पास डर है और अब मेरे पास कृष्णमूर्ति के कुछ शब्द हैं जो डर के बारे में। देयर इज सेंसिटिव, और डर क्यों है, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं और डिपेंडेंस है। वाई डू वी डिपेंड साइकोलॉजिकली, हम किसी और के ऊपर साइकोलॉजिकली डिपेंड क्यों होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भाई साहब जो आए थे। यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट डिपेंडेंस नाउ, बट आई केम हियर टू डिस्कस फियर। आपने बात बदल दी, मैं तो डिस्कस करने आया था फियर के बारे में, और आप डिस्कस कर रहे हैं, आपने बात बदल के डिपेंडेंस की बात कर दी, किसी के ऊपर आश्रित होने की बात। कृष्णमूर्ति बोले, लेट्स एग्जामिन बोथ ऑफ देम बिकॉज दे आर इंटरलेटेड एज वी शैल सी। आप देखेंगे ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। डू यू माइंड इफ आई, इफ वी डिस्कस देम बोथ, आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम दोनों डिस्कस कर, दोनों चीजों को डिस्कस कर लें। वी वर टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंस, व्हाट इज डिपेंडेंस, डिपेंडेंस है क्या, व्हाई डज वन साइकोलॉजिकली डिपेंड ऑन अनदर, डिपेंडेंस क्या है और हम किसी और के ऊपर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट क्यों होते हैं। इजंट डिपेंडेंस द डिनायल ऑफ फ्रीडम, जब मैं किसी और के ऊपर डिपेंड होता हूं तो क्या मैं ये नहीं मान रहा हूं कि मैं आजाद नहीं हूं यार, मुझे कोई ना कोई चाहिए खुश रहने के लिए। अक्सर ऐसा होता है मेरे घर में, साल में बहुत कमी होता है, आप लोगों को शायद याद भी हो, एक बार रिम्पी भी गई थी ना रिसेंटली, चली गई थी वहां, दिल्ली चली गई थी, या तो एक साल के लिए चली गई थी वहां, मैं और शीश बड़े मजे में थे। रिम्पी कहती है, जब मैं दूर रहती हूँ तो मुझे तो दुख होता है, तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ, तुम लोग मुझे मिस नहीं करते हो। अब हम लोग को बोलना पड़ता है, नहीं नहीं बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन जब आप नहीं मिस करते तो नहीं मिस करते, तो लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे उस चीज की जरूरत है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो क्या आप अपनी आजादी को डिनाई नहीं कर रहे हैं।
टेक अवे हाउस द हस्बैंड द चिल्ड्रन द पोसेशंस, जो जो चीज आप पोसेस करते हैं, व्हाट इज अ मैन, आदमी है क्या, इफ ऑल दीज आर रिमूव्ड, अगर ये सब चीजें हटा दी जाए, इन हिमसेल्फ ही इज इनसफिशियंट एम्प्टी एंड लॉस्ट. ये सब चीजें हटा दो, घर परिवार मोहब्बत, तो आदमी खोया खोया रहेगा, खाली हो जाएगा वो. सो आउट ऑफ दिस एम्प्टीनेस, अब अंदर में खालीपन है, इस खालीपन की वजह से, ऑफ विच ही इज अफ्रेड, इस खालीपन से वो डरता है, ही डिपेंड्स ऑन, इसलिए वो डिपेंड करना शुरू कर देता है किस पर, प्रॉपर्टी पर, जायदाद पर, ऑन पीपल, लोगों पर, एंड बिलीफ, नहीं नहीं अगर मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाओगे तो अच्छा होगा, ये उसकी बिलीफ है, पकड़ लेता है वो. क्यों? बिकॉज अंदर से खाली है. यू मे बी सो श्योर ऑफ ऑल द थिंग्स यू डिपेंड ऑन दैट यू कांट इमेजिन एवर लूजिंग देम, और आपको इतना पक्का है ना कि वो सब चीजें आपके पास हैं, रखी हैं, कि आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हो कि वो कभी ना कभी चली जाएंगी, खो जाएंगी. द लव फॉर योर फैमिली, ऑफ योर फैमिली एंड द कम्फर्ट, जो आपके परिवार से आपको प्यार मोहब्बत मिलता है. अक्सर ऐसा होता है बच्चे जब हॉस्टल वगैरह चले जाते हैं ना, मम्मी को बड़ा मिस करते हैं. रिम्पी कहती थी जब मैं कॉलेज से चली जाती थी हॉस्टल में, तो घर परिवार की बड़ी याद आती थी, लेकिन जब घर पे वापस आते थे दूसरे दिन से घर से भागने का मन करता था. येट फियर कंटिन्यूज, परिवार बड़ा अच्छा लगता है फिर भी फियर चलता रहता है. सो वी मस्ट बी क्लियर द डे दैट एनी फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस मस्ट इनएविटेबली ब्रीड फियर. इसलिए आपको क्लियर पता नहीं है कि नहीं, हो जाना चाहिए, कि किसी भी तरह का डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ब्रीड करता है, लाता है फियर. दो द थिंग्स यू डिपेंड ऑन मे सीम ऑलमोस्ट इनडेस्ट्रक्टेबल, बहुत बार आपको लगेगा जो चीज पर मैं डिपेंड कर रहा हूं वो तो कभी बर्बाद नहीं होगी, वो तो हमेशा रहेगी, इसलिए डिपेंड कर सकते हैं. भगवान, हमारे भगवान जो आपको लगता है कि कभी नहीं बर्बाद होंगे, अभी तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मन में हमने बना रखा है उनकी फोटो. फियर अराइजेज आउट ऑफ दिस इनर इनसफिशियंसी, हमारे अंदर जो एक खालीपन है उसी में से डर निकल के आता है. पॉवर्टी एंड एम्प्टीनेस, गरीबी से, खालीपन से. सो नाउ डू यू सी वी हैव तीन इश्यूज है हमारे पास. सबसे पहले हम सेंसिटिव हैं, सेंसिटिविटी, दूसरा है डिपेंडेंस, तीसरा है फियर. द थ्री आर इंटर रिलेटेड, और तीनों जुड़े हुए हैं. टेक सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बोलो, द मोर सेंसिटिव यू आर, ब्रैकेट में ज्यादा, जितना ज्यादा सेंसिटिव हो ब्रैकेट में, अनलेस यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेन सेंसिटिव विदाउट डिपेंडेंस, हाउ टू बी वल्नरेबल विदाउट एग्नी. अगर आपको ये नहीं आता द मोर यू डिपेंड, जितने ज्यादा सेंसिटिव हैं उतने ज्यादा आप डिपेंड करते हैं लोगों पर. आपकी मम्मी है या आपका पापा है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको रोज आदत है उसकी स्माइल देखने का, आज उसकी स्माइल में जरा सा एंगल कम हो गया, आर्क, आर्क होता है ना इतना का, इतना क्या हो गया, आप सेंसिटिव हैं. खाना खाते लोग, छोटे बच्चे देखा है, नहीं मम्मी मिर्च ज्यादा है, नमक कम है, ये नहीं. शीश को ऑलमोस्ट एक महीना लग गया, वो जो नेस्ले का या अमूल का जो पैकेट वाला दूध आता है आप लोग लाते हैं, उससे शिफ्ट करने में नॉर्मल दूध से. स्वाद का सेंसिटिविटी, जितना ज्यादा सेंसिटिव होंगे उतना ज्यादा फंसेंगे बशर्ते आपको ये आता हो कि आप कैसे बिना किसी और चीज पर डिपेंड हुए सेंसिटिव हो सके, या आप कैसे वल्नरेबल हो सके बिना दुख के. यू नो व्हाट इज वल्नरेबल, आई एम रियली अफ्रा, हाँ बताइए वल्नरेबल, हाँ आप जानते हैं, मैं समझता हूं. खतरा है उसको, खतरा. मैं जिस तरह से मैं रोज पढ़ रहा हूँ कृष्णमूर्ति को, मुझे लग रहा है मैं अपने आप की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाए जा रहा हूँ. अब एक दिन ऐसा आएगा पता नहीं क्या हो जाएगा. देन टेक डिपेंडेंस, और एक डिपेंडेंस को लीजिए. द मोर यू डिपेंड द मोर देयर इज डिस्कस्ट एंड डिमांड टू बी फ्री. जितना ज्यादा डिपेंड होंगे उतना आपकी मर्जी होगी कि और मुझे आजादी चाहिए. दिस डिमांड फॉर फ्रीडम, और जितना आप डिमांड करते हैं फ्रीडम उतना ही क्या आता है पता है, एनकरेजेस फियर. फॉर दिस डिमांड इज अ रिएक्शन नॉट फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस. ये जो डिमांड है ना कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ये एक्चुअली फ्रीडम की इच्छा नहीं है, ये रिएक्शन है. वैसे तो घर चाहिए, घर में अगर पापा मम्मी नहीं हो तो घर चाहिए, अपना ही घर चाहिए, लेकिन पापा मम्मी हो घर में चिल्ला रहे हो तो हम घर से भागना चाहते हैं.
कृष्णमूर्ति से पूछ रहे हैं जियो शेर आर यू डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, कृष्णमूर्ति को पूछे आप किसी चीज पर डिपेंडेंट है या नहीं, किस किस चीज पर डिपेंडेंट है। कृष्णमूर्ति बोलते ऑफ कोर्स आई एम डिपेंडेंट फिजिकली ऑन फूड क्लोथ शेल्टर बट साइकोलॉजिकली इनवर्डली आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, मैं किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं हूं, नॉट ऑन गॉड किसी भगवान पर नहीं हूं, नॉट ऑन सोशल मोरालिटी अच्छाई बुराई सोसाइटी की मैं डिपेंड नहीं करता हूं उस पर, नॉट ऑन बिलीफ नॉट ऑन पीपल मैं लोगों पर भी डिपेंड नहीं करता हूं और ना ही तो बिलीफ पर विश्वास नहीं है मेरे कोई, बट इट इज इररिलेवेंट वेदर और नॉट आई एम डिपेंडेंट। मेरी बात क्यों कर रहे हो, अपनी बात करो तुम अपने बारे में। सो टू कंटिन्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। फियर इज द अवेयरनेस ऑफ अवर इनर एम्प्टीनेस, डर है क्या कि हमारे अंदर में खालीपन है उसको जानना, लोनलीनेस पॉवर्टी अपनी गरीबी को जानना अपने अकेलेपन को जानना, एंड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट और उसके बारे में कुछ न कर पाना। वी आर कंसर्न्ड ओनली विद दिस फियर विच ब्रीड्स डिपेंडेंस एंड विच इज अगेन इंक्रीज्ड बाय डिपेंडेंस, ये फियर से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और डर लगा तो हम जहां पर सिक्योरिटी मिलती है वहां जाकर बैठ जाते हैं, माँ बाप के पास चले जाते हैं। बहुत साल लग गए मुझे, जब तक रिम्पी मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब तक आई वॉज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, आई कुड अर्न बट आई कुड नेवर सेव बिकॉज इट वॉज ऑलवेज कमिंग, इट वॉज कमिंग द मनी यूज टू कम, जितने खर्चे होते थे उतने आते रहते थे और मैं लेता रहता था और कभी मैंने कमाने की सोची नहीं बहुत साल तक। तो जहां फियर होता है वहां डिपेंडेंस होता है और डिपेंडेंस से फिर फियर पैदा हो जाता है। इफ वी अंडरस्टैंड फियर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड डिपेंडेंस, अगर आप डर को समझते हैं तो आप डिपेंडेंस को भी समझेंगे ध्यान से। सो टू अंडरस्टैंड फियर देयर मस्ट बी सेंसिटिविटी टू डिस्कवर टू अंडरस्टैंड हाउ इट कम्स इनटू बीइंग, अगर आप समझना चाहते हैं फियर को तो आप ये देखिए आता कैसे है फियर हमारे मन में, बहुत स्लोली आता है बहुत धीमे से। आज सुबह सुबह फेसबुक पर दिम्पी ने बताया, तुम्हें पता है मेरी जो कजन सिस्टर है वो कहीं फॉरेन में क्रूज पर घूमने गई थी और तभी हम लोग चैप्टर पढ़े थे डिजायर की, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि डिजायर जब भी आपके मन में आए डिजायर को ऐसे आने तो जैसे घर बगल वाले घर में सूजी का हलवा बन रहा हो, अपने घर में आएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, बगल वाले घर में तो सूं करी खुश लेंगे हम लोग, ऐसे आएगा फिर चला जाएगा। ये समझने की कोशिश करिए कैसे, मैंने कहा रिपी क्रूज पर गए हैं अच्छी बात है, हमारे जान पहचान के लोग खुश हो रहे हैं, बगल वाले घर में सूजी का हलवा बन रहा है खुशी की बात है। इफ वन इज एट ऑल सेंसिटिव वन बिकम्स कॉन्शियस ऑफ वन्स ओन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्टीनेस, अपने अंदर में जो खालीपन है उसके बारे में भी हम बहुत अवेयर भी नहीं है, छपाकर दबाकर रखा है कहीं। द बॉटमलेस पिट विच कैनॉट बी फिल्ड बाई एनी वल्गर एंटरटेनमेंट, किसी फिल्म वगैरह से आप भर नहीं सकते, किसी एंजॉयमेंट से भर नहीं सकते उसको, ड्रग्स नॉर बाई द एंटरटेनमेंट ऑफ चर्चेस, जो चर्च का एंटरटेनमेंट चलता है ना भजन कीर्तन उससे भी नहीं भरता, नॉर द अम्यूजमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जो घरों में लड़ाइयां होती है ना वो भी इसी एम्प्टीनेस से भागने के लिए होती है। मेरी मम्मी ऑलमोस्ट हर हफ्ते 5 से 6 घंटे रोज किसी न किसी एक बहू की बुराई करती हूं, एक मतलब या तो हमारे घर में या तो किसी और के घर में, या तो दुखी हो जाती है रोने लगती है या तो बड़ी खुश हो जाती है, ये जो साइकिल चलता है ना, कभी आप स्टडी करेंगे देन यू विल सी इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड कंडीशन, ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम में फेल हो गया इसलिए आप रो रहे हैं, यू वॉन्ट टू क्राई अदरवाइज देयर इज नो इमोशनल हाई एंड लो, खाने में मसाला नहीं है, अचार अचार के बिना कितना फीका लगता है खाना, ये अचार है लाइफ के, अरे नंबर खराब नहीं हुए, अरे अच्छे नहीं हुए, टॉप किसने किया, फेल कौन हुआ, वो लड़की के बारे में पूछ रहे थे जो कल बेहोश हो गई परसों सेंटर में, हमारी एक लड़की बेहोश हो गई थी, अभी तक जानना चाहते हैं क्या हुआ, फिर पता चला कल कुछ नहीं उसको छुट्टी चाहिए थी तो उसने बहाने से बेहोश हो गई थी, ये कौन सी बात। मैं इसको स्टडी कर रहा था अपने लाइफ में, अब तो खैर दिक्कत हो गई है, अब घुस नहीं पाते, अब इमोशनली खूब परेशान नहीं हो पाते क्योंकि आपको दिख जाता है
कि ये गड्ढा है तो आप गिर नहीं पाते उसमें, गड्ढे में तो तभी गिरेंगे ना जब दिख नहीं रहा है, जब दिखेगा तो कूदेंगे आप उसमें, जब कूदेंगे तो चोट नहीं लगती बल्कि अवॉइड कर देते हैं आप दिखता है तो। जब आप देखेंगे ये सोसाइटी का अम्यूजमेंट्स, लड़ाई झगड़े मारपीट, नथिंग कैन फिल उस गड्ढे को, कोई भर नहीं पाता अकेलेपन खालीपन के गड्ढे को। इस चीज को जानते हुए, नोइंग दिस, द फियर इंक्रीजेस, इसको देखते हैं तो और ज्यादा फियर बढ़ जाता है। दिस ड्राइव्स यू टू डिपेंड एंड दिस डिपेंडेंस मेक्स यू मोर एंड मोर इनसेंसिटिव। आप सेंसिटिव थे, धीमे धीमे क्या हो जाते हैं आप, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंस होता है, इससे अच्छा डिपेंडेंस होने के बजाय कान बंद कर लो, बातें सुनो ही मत, मोटी चमड़ी होनी चाहिए। एक हमारी मैम है, बोलती है खुश वही लोग होते हैं जो दिमाग से बेवकूफ होते हैं। हम लोग अपने आप को इनसेंसिटिव बना लेते हैं उसी खालीपन से, उसी डर से। एंड नोइंग दिस इज सो यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, और ये सब जानते हो इसलिए तुम डरे हुए हो। सो आवर क्वेश्चन नाउ इज, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज वन टू गो बियॉन्ड दिस एम्प्टीनेस एंड दिस लोनलीनेस, नॉट हाउ इज वन टू बी सेल्फ सफिशियंट, नॉट हाउ इज वन टू कॉमिफ्लाज द एम्प्टीनेस परमानेंटली। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कैसे सेल्फ सफिशियंट हों, क्वेश्चन ये भी नहीं है कि हम अपने खालीपन को कैसे ढक दें, कॉमिफ्लाज कर दें। कॉमिफ्लाज मतलब उसको छुपा दें, पता नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन ये है इस खालीपन के बियॉन्ड कैसे जा सके। छुपा तो रहे हैं हम ऑलरेडी सुबह से लेकर शाम तक। क्वेश्चनर पूछ रहा है वो आदमी, व्हाई डू यू से इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग सेल्फ सफिशियंट, सेल्फ सफिशियंट नहीं होना है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए। बिकॉज इफ यू आर सेल्फ सफिशियंट यू आर नो लॉन्गर सेंसिटिव। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। यू बिकम स्मग एंड कैलस, इनडिफरेंट एंड एनक्लोज्ड। भाई मेरी दुनिया मेरी अपनी है, इसके बाहर मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो है बस वही, मेरे पास अपनी मर्सिडीज है, मेरे पास अपना बंगला है, अब बाकी दुनिया का क्या होता है, भाड़ में जाए। यू बिकम अ स्मग, कैलस जानते हैं क्या होता है, एक तरह का स्कैब जो बनता है, कड़क लेयर, CAWLOUS। ग्रुप ग्रोथ, टू बी विदाउट डिपेंडेंस, टू गो बियॉन्ड डिपेंडेंस डजंट मीन टू बिकम सेल्फ सफिशियंट। ये सेंटेंस बहुत ट्रिकी है, एक बात ध्यान से सुनिए। अमीर बनना और पैसे के ऊपर डिपेंडेंट न होना, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। अमीर बनना और पैसे के ऊपर डिपेंडेंट न होना, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। ये जो टॉपिक है ना आज का, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, माइंड की ट्रिग्नोमेट्री। ये तभी आप कृष्णमूर्ति की बड़ा खास चीज के साथ मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको आज सब पढ़ के बताया, आपने सुना, जो चीज कान में गई वही आपकी है, जो आपके कान से बाहर निकल गई, दिमाग से बाहर चली गई, वो आपका नहीं है अभी फिलहाल। तो इसलिए बहुत परेशान ना होइएगा। तो मैं कह रहा था आपसे, पैसा, अमीर बनना और पैसे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। ये कह रहे हैं टू बी विदाउट डिपेंडेंस, डिपेंडेंस के बिना होना, टू गो बियॉन्ड डिपेंडेंस, डिपेंडेंस के पार चले जाना, डजेंट मीन टू बिकम सेल्फ सफिशियंट। सेल्फ सफिशियंट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप डिपेंडेंसी से बाहर चले जाएंगे। अगर आप ढेर सारे पैसे कमा लेंगे तो जरूरी नहीं कि आप डिपेंडेंसी से बाहर चले जाएंगे। हो सकता है आप पैसे के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएं, हो सकता है आप इज्जत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, वो सभी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ही हैं। कैन द माइंड फेस एंड लिव विद दिस एम्प्टीनेस, क्या माइंड इस एम्प्टीनेस को फेस करके उसके साथ जी सकता है, एंड नॉट एस्केप इन एनी डायरेक्शन, और कहीं भागे ना। हम सब सोचते ना, पापा बोल रहे हैं कि पढ़ लो लिख लो बड़े आदमी बन जाओ, तब सब लाइफ सेट, तो ये माइंड ने एस्केप बना दिया। बट क्या हम जी सकते हैं इस खालीपन के साथ? तो ये बोल रहे हैं, क्वेश्चनर कह रहे हैं, इट वुड ड्राइव मी मैड टू थिंक दैट आई हैड टू लिव विद इट फॉर एवर, इसके साथ जिंदगी भर रहो, इस खालीपन के साथ, इस डर के साथ, हमेशा
इससे तो मैं पागल हो जाऊंगा। आज अनिल ने कुछ खास बात बताइए, आज का अगर आपने सूत्र पकड़ लिया ना तो बहुत काम का है, और वो सूत्र अब चालू हो रहा है। जो मैंने आपको कहा था ना हाथ में ले लीजिएगा, कुछ करिएगा मत। इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कह रहे हैं खालीपन इस डर के साथ रहोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं एनी मूवमेंट अवे फ्रॉम दिस एम्प्टीनेस इज एन एस्केप। ये मत पूछो कि अगर मैं भागूंगा, अगर मैं इस फियर के साथ रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि जो भी मूवमेंट तुम इस खालीपन से या इस डर से कहीं और जाने की कोशिश करोगे वो क्या है, एस्केप है। एंड दिस फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान, दिस फ्लाइट अवे फ्रॉम समथिंग, अवे फ्रॉम व्हाट इज फियर, जो भी है इससे जब तुम दूर भागोगे यही डर है। फियर इज फ्लाइट अवे फ्रॉम समथिंग। फियर एक्चुअली है क्या, किसी खास चीज से डरना फियर नहीं है, भागना डर है। मन में एक आ रही है डिस्टर्ब स्टेट और मैं उसे भागना चाहता हूं, वो डिस्टर्ब स्टेट अपने आप में खतरा नहीं है, उससे जब भागता हूं तब वो कुत्ते की तरह पीछे पड़ती है। इनफैक्ट वो पीछे भी नहीं पड़ती है, मेरा भागना ही डर है। फियर इज फ्लाइट अवे फ्रॉम समथिंग, व्हाट इज नॉट द फियर, जो है, जो एम्प्टीनेस है इज नॉट द फियर, इट इज द फ्लाइट विच इज द फियर। ये तुम्हारा भागना ये फियर है। एंड दिस विल ड्राइव यू मैट, नॉट द एम्प्टीनेस इटसेल्फ। ये खालीपन तुमको नहीं पागल करेगा, ये तुम्हारा भागना तुमको पागल करेगा। एक बड़ी अजीबोगरीब पिक्चर देखी मैंने कल, पूरी कर भी नहीं पाया मैं। उसमें एक आदमी था तो कैसा अजीब प्रेमी यार, ही इज सम फेमस डायरेक्टर, फिल्म बनी है उसके ऊपर, नाम में नहीं लूंगा नहीं तो फिर वो बातें नाम बता दूंगा मैं आपको। दिखा रहे हैं कि यंग एज में उसको फिल्म वो बनना था, फिल्म बनाना था उसको, फिल्म एक्टर बनना था, फिल्म डायरेक्टर बनना था। तो कलकत्ता गया और वहां पर उसने एक कमरा किराए पर लिया जिसमें सुबह कोई और रहता है, मतलब दिन के टाइम कोई और रहता है, तो बोलता शाम के टाइम मैं रहूंगा। एक लड़की रहती थी दिन में, तो बोलता है रात को ड्यूटी करती है या वाइस वर्सा, ये रात को रहेगा और वो दिन में, ऐसा कुछ था। तो जब ये आता जाता तो लड़की चली जाती थी, तो ये इसने क्या शुरू कर दिया, एक चिट्ठी लिखकर वहां छोड़ना शुरू कर दिया लड़की को। कल जो वीडियो बनाया था उसका मैंने नाम रखा था कृष्णमूर्ति इस डर का क्या करें, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नाम रखूंगा कृष्णमूर्ति इस डर का ये करें। क्या करें, डर नहीं है कहीं, बेसिकली भागे ना, जहां है वहीं बैठ जाए। मैं देखता हूं आजकल पता है क्या हो रहा है, जैसे मैं किसी को देखता हूं और मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूं या महसूस करता हूं तो मुझे कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ बोलने का मन करता है, कभी मजाक करने का, कभी गुस्सा करने का। लेकिन जैसे मैं गुस्सा करने वाला होता हूं तो मुझे ये थॉट आ जाता है, ये फीलिंग आ जाती है, ये मेरा रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स रुक जाता है। अब जैसे डर, कोई डर कोई परेशानी दिखती है तो लगता है यहां से भागे, उसमें से दूर हट जाए। लेकिन अब ये लगता है ना भागे, इंतजार करें, देखिए क्या है ये। थोड़ा सा और है पढ़ ले, ये जो सो व्हाट इज दिस एम्प्टीनेस दिस लोनलीनेस, ये अकेलापन खालीपन है क्या, हाउ डज इट कम अबाउट, ये आता कैसे है। श्योरली इट कम्स थ्रू कंपैरिजन एंड मेजरमेंट, डजंट इट। कहां से आता है खालीपन, ये कंपैरिजन से आता है, मेजरमेंट से आता है। आई कंपेयर माई सेल्फ विद द सेंट, the master, the great physician, the man who knows, the man who has arrived. मैं अपने आप को उस महान आदमी से कंपेयर करता हूं, उस किसी संत से, किसी आप लोग अपने स्टूडेंट से, किसी फ्रेंड से, कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो अपने कलीग से। I have no talent, I am inferior. In this comparison, I find myself wanting and insufficient. इस comparison में मुझे insufficiency महसूस होती है और मैं चाहता हूं मैं कुछ बन जाऊं, मुझे लगता है मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं इंफीरियर हूं। आई हैव नॉट रियलाइज्ड, और मुझे लगता है कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड ग्रेट आदमी नहीं बन पाया। आई एम नॉट एंड द मैन इज, मैं कुछ नहीं बन पाया और वो आदमी है, बन गया सब कुछ। सो आउट ऑफ मेजरमेंट एंड कंपैरिजन कम्स द एनॉर्मस कैविटी ऑफ एम्प्टीनेस एंड नथिंगनेस। कैविटी जानते हैं,
दांतों की कैविटी, खड्डा, जैसे कंपेयर किया वैसे सब ठीक ठाक ठीक ठाक था, जैसे कंपेयर किया एक गड्ढा अपने दिमाग में खाली हो बन गया, बगल में मकान बन रहा है। कल हम लोगों को बुलाया गया है खाने पर, खाने पर नहीं बुलाया गया है, हम लोगों की एक घाव है, उस घाव पे नमक डाल करके उसके ऊपर मिर्ची डालकर वो जलाने के लिए बुलाया गया है। कंपैरिजन अपने आप होता रहता है, 24 घंटे होता रहता है, और जैसे ही कंपैरिजन हुआ एक खालीपन आ गया। एंड द फ्लाइट फ्रॉम दिस कैविटी इज फियर, और इस खालीपन से भागना डर है। एंड द फियर स्टॉप्स अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दिस लोनलीनेस पिट, और ये जो भागना है इसी से हम इस खालीपन को समझ नहीं पाते। एंड इट इज नॉट, इट इज अ न्यूरोसिस, न्यूरोसिस जानते हैं पागलपन, विच फीड्स अपॉन इटसेल्फ, ये अपने आप खाता रहता है खाता रहता है खाता रहता है। तो बता रहा था उस फिल्म के बारे में, उसमें एक बंदा सुबह, हाँ, उसने चिट्ठी लिख के छोड़ना शुरू कर दिया, शाम को लड़की आती थी या तो दिन में आती थी, चिट्ठी पढ़ रही थी, बड़ा उसको अच्छा लगता था, तो वो भी चिट्ठी लिखती थी उसके लिए। 6 महीने तक दोनों चिट्ठी लिखते रहे, देखा भी नहीं दूसरे को। 6 महीने बाद लड़का भाग गया, विदेश चला गया, बाद में किसी को बताता है। यही तो असली लव स्टोरी होती है कि बिना मिले कैरेक्टर, मेरे लिए फिल्म का कैरेक्टर थी वो। ऐसे ऐसे करीब 8-10 लड़कियों के साथ वो उसने कुछ 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 किया और वो मर गया बेचारा, परेशान होकर के, परेशान आत्मा था वो, दुखी और परेशान, अच्छे से जिया भी नहीं, किसी एक लड़की के साथ कायदे से नहीं रहा, वो भाग रहा था यहां नहीं यहां यहां, बोलता है आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन पर्सन, उससे मेरी फ्रीडम चली जाएगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी फ्रीडम, फियर कैसे खत्म हो, क्वेश्चन ये है कि आप कैसे ना भागो अपने फियर से। एंड अगेन दिस मेजरमेंट एंड दिस कंपैरिजन इज द वेरी एसेंस ऑफ डिपेंडेंस, यही डिपेंडेंस का एसेंस है कंपैरिजन। सो वी आर बैक अगेन ऑन डिपेंडेंस, अ विशियस सर्कल, हम लोग वापस कहां पर पहुंच गए, डिपेंडेंस पर, जो विशियस सर्कल है, खत्म नहीं होती कभी। थोड़ा सा और है पढ़ ले, इसने लंबा सा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चनर ने। वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन दिस डिस्कशन, हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं इसमें, अभी आखिरी है, अंत है इसका। देर इज डिपेंडेंस, डिपेंडेंस है, इट इज पॉसिबल नॉट टू डिपेंड, और ये पॉसिबल है कि नहीं डिपेंड होना, यस पॉसिबल है, आई थिंक इट इज पॉसिबल, मुझे पता है, हाँ आप जिस तरह से कह रहे हैं पॉसिबल है। देन वी हैव फियर, डर भी है। इज इट पॉसिबल नॉट टू रन अवे फ्रॉम एम्प्टीनेस एट ऑल, विच मीन्स नॉट टू एस्केप फ्रॉम फियर, क्या उसे नहीं भागना पॉसिबल है? यस आई थिंक इट इज पॉसिबल, आपसे बात करके लगता है उसे नहीं भागना भी पॉसिबल है। That means we are left with the emptiness. इसका मतलब हमारे पास जो खालीपन है उसी के साथ बैठे हैं। Is it possible then to face the emptiness since we have stopped running away from it through fear? अब हम नहीं भाग रहे हैं तो क्या उसके साथ रह सकते हैं? Yes, I think it is possible. आप जो कह रहे हैं सही है, possible है। For if we have come this far, and I think we have, only this emptiness remains, and one sees that this emptiness is the outcome of comparison. और मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो खालीपन आया कहां से? कंपैरिजन से। इसलिए मुझे लगता है स्कूल्स आर द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर अ चाइल्ड टू लर्न समथिंग। 24 घंटे जहां देखो वहीं पर कंपैरिजन चल रहा है, और बच्चे अपने आप को जानबूझ के इनसेंसिटिव बनाते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, नहीं तो डर में जाएंगे। So is there comparison? So where is comparison, emptiness, fear and dependence? Can I really live a life without comparison, without measurement? क्या ऐसा मैं जी सकता हूं जिसमें comparison ना हो, measurement ना हो? Of course you have to measure to put a carpet on the floor. बिस्तर बिछाओगे, carpet बिछाओगे तो measure तो करोगे, कौन सा कितना कोने में कितना square meter होना चाहिए, square feet होना चाहिए। Yes, I mean I can live without psychological comparison. क्या नहीं, मैं psychological comparison की बात कर रहा हूं। Do you know what it means to live without psychological comparison when all your life you have been conditioned to compare? Puri zindagi tumne kya kiya hai? At school, at games, at the university, in the office, you have only compared. To kaise tumhe malum padega ki bina comparison ke life kaise rehti hai? Everything is a comparison for you. To live without comparison, do you know what it means? Tumhe pata hai iska matlab kya hota hai? It means no dependence. Kisi pe depend nahi hona. No self-sufficiency, आत्मसंतोष नहीं होना, no seeking, कुछ खोजना नहीं,
नो आस्किंग, कुछ पूछना नहीं किसी से, प्लीज प्लीज कुछ कर दो मेरे लिए। देयरफॉर इट मींस टू लव, यही प्यार होता है जब तुम किसी से मांगते नहीं हो। लव इज नॉट कंपैरिजन एंड सो लव हैज नो फियर, लव में कोई कंपैरिजन नहीं होता, इसलिए प्यार में कोई डर भी नहीं होता। लव इज नॉट अवेयर ऑफ इट सेल्फ एज लव, और प्यार को तो अपने बारे में यह भी नहीं एहसास होता कि मैं प्यार कर रहा हूं। फॉर द वर्ड इज नॉट द थिंग, क्योंकि जो शब्द होता है ना वो चीज नहीं होता, वो तो केवल नाम होता है उसका। इसको कान में गई पहुंची, यही करें, सुन लें और उसको काम करने दें जो कानों में गया। अब जब डर आए, साइकोलॉजिकल डर, एग्जाम को लेकर, फैमिली को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, करियर को लेकर, ये जान लीजिए प्लीज कि वो जो डर है ना वो आपका मन में किसी चीज से आप भाग रहे हैं, किसी चीज से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, वहां से आ रहा है। जो आपने एक मशीन चला दी, ये चला दी है बहुत पहले, वो चल रही है अभी तक, कंपैरिजन चल रहा है और उसी का रिजल्ट है ये। बैठ जाइए आराम से और देखते रहिए उसको, और जब आप देखेंगे कंपैरिजन है तब देखिए क्या होता है। बिकॉज इट इज शियर स्टुपिडिटी। हम लोग पूछते रहते हैं, भी हम डिस्कस करते हैं कि इतना बड़ा मकान हम बना पाएंगे कभी। मैंने पूछा रिबी से, इतना बड़ा मकान की जरूरत हमको कहां पड़ेगी, सफाई कौन करेगा, दो आदमी और चाहिए सफाई करने के लिए उसमें। लेकिन इतना बड़ा मकान बना पाएंगे कभी, कंपैरिजन अपने आप हो गया मकान को देख करके। मेरी, मैं झूठ बोल रहा था, मेरी किसी कोई घाव पर कोई मिर्च नहीं लगने वाली, कल तो मैं टेस्टी टेस्टी खाना खा के आऊंगा, अम्मा को भी आराम मिल जाएगा, कम से कम एक दिन दोपहर को खाना नहीं बनाना पड़ेगा।